फॉर्चुनेट वाकया हुआ कि एक शख्स वी डोंट नो कि अभी तक तहकीक तलब मामला है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जहनी मरीज था या वो ड्रग्स पे था या कोई और चीज़ थी। ये तो तहकीक तलब मामला है और ये इसकी रिपोर्ट बाकायदा पुलिस और हेल्थ अथॉरिटीज ही दे सकती हैं। लेकिन हमारे हिसाब से एक शख्स ने पहले तो अपनी फैमिली मेम्बर्स पर हमला किया, उसमें उसके वालिदैन हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसके बाप भी जख्मी हैं, और इसके अलावा 8 मजीद लोग जख्मी हैं जिनमें से 3 की डेथ बशमूल उसकी वालदा के हो चुकी है। और ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम इसमें अभी इन फैमिलीज के साथ अपना ताजियत का इजहार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो या हमारे तिबी अमले के लोग हों, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। कुछ मरीजों को तिबी इमदाद मिली लेकिन जिनकी डेथ हुई है उनको वो रोक नहीं सकते थे क्योंकि ऐसे हमला ऐसा हुआ था कि जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो नहीं पाती थी। तो सुबह सवेरे अलग सुबह आज सर्दियों के मौसम में ऐसा वाका होना, यह सबके लिए शॉकिंग है। और हम अभी तहकीकात कर रहे हैं कि इस मामले का बाकायदा और पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से पुलिस तहकीकात करे और इसमें कोई कसर ना छोड़े ताकि इन विक्टिम्स की फैमिलीज को इंसाफ मिले। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि जो भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मारे गए हैं, जिनकी मौत वाकई हुई है, उनको बाकायदा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ या रिहैबिलिटेशन के जो भी प्रोसेस है वो किए जाए ताकि इनकी फैमिलीज और उनके पसमानदगान को सफ़र ना करना पड़े। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि अगर इस मामले में उस हमलावर के ऊपर कोई मसला था, चाहे वो ड्रग्स का था या कोई जहनी मसला था, तो उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को एज ए सोसाइटी हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं और ऐसे हालात से हम दोबारा शिकार ना हो। और मैं ये फैमिलीज से दोबारा ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ, मैं इनसे पर्सनली भी मिला, कि जो भी लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके साथ समझौता ना करें क्योंकि बाद में केस कमज़ोर हो जाता है। और इसके साथ साथ उनका जो एक्सग्रेशिया और बाकी चीज़ों का रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का मामला होता है उस पर ये बात आती है, तो उनमें ये हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन का तआवुन करें। और इस दुख की घड़ी में हम इन सब इनके साथ हैं, पूरा अश्मकाम इनके साथ हैं जो भी मुतवफ़ी हैं। और बाकी हम दोबारा से मिल बैठ के सोसाइटी को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। शुक्रिया। इंतहाई बदकिस्मती का वाकया है, ये कोई 8 बजे के आसपास पेश आया है जिसमें एक फ़र्द जो जिसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी, उन्होंने जो भी उनके रास्ते में आए उन पर हमला किया है। क्योंकि जब जो ही खबर ये इंतज़ामिया तक पहुँची तो उस जो जो फ़र्द है जिनने ये घिनावना जो फैल जिनसे वाकया हुआ है उनको उसी टाइम जो है दबोच लिया गया है, वो पुलिस की तहवील में है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं लगभग 3 लोग जो हैं वो रहमतयक हो गए हैं और 5-6 लोग जो हैं वो जख्मी। थैंक यू सर।